hi good morning hi good morning very good morning to all of you so i hope that uh, i'm audible as well as visible to you guys and today we are going to start uh, the second part of our chapter which is lost spring so that's going to happen now quickly quickly uh, let me just check that uh, everything is fine here um Okay, okay, okay. And do excuse my morning voice. <laughs> all right. All right, all right, all right. सो so गाइज़ uh, हम लोगों ने लास्ट टाइम uh, जो फर्स्ट पार्ट है इसका जिसमें साहिब uh, वाला स्टोरी है हमने वो पढ़ लिया था और आज हमें दूसरा पार्ट करना है आज दूसरे पार्ट के साथ साथ में हम लोग समरी भी करने वाले हैं मैं आपको वर्कशीट भी देने वाली हूँ हर बार की तरह अच्छा एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती थी वो ये है कि इंटायरली uh, जैसे भी हम रिविज़न सेशन करेंगे पूरे रिविजन सेशन में चैप्टर्स को इसी तरीके से करने का ट्राई करेंगे समरी करेंगे चैप्टर्स की uh, हर एक जो लाइन है लिटरेरी लाइक uh, like, जो लिटरेरी वर्क है चैप्टर में उसमें हर एक जो एक्सप्रेशन है जो सेंटेंसेस uh, हैं उनका एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं बिकॉज दैट्स हाउ हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे और लेटर एम कर पाएंगे ऑल्सो आई वोंट भी एबल टू टेक योर डाउट्स राइट नाउ इन बिटवीन द चैप्टर बट डोंट वरी वी हैव डाउट क्लास एवरी मंडे फाइव पी सो यू कैन ऑलवेज यू नो ऑलवेज जॉइन मी इन द डाउट क्लास और वहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो सो सैटरडे एंड संडे वी हैव द रिविजन सेशन एंड ऑन मंडेज वी हैव द डाउट क्लास सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क ना लेट मी जस्ट टेल यू दैट दिस इज़ द सुपर रिविजन बैच फॉर बोर्ड एग्जाम्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन दीज आर योर एजुकेटर्स ना भरत अनुरागी सर विल भी टेकिंग बिजनेस स्टडीज विथ यू एंड डॉक्टर रजत खंडेलवाल सर विल भी टेकिंग अकाउंट्स विद यू Uh, Agrawal sir will be taking economics and your dear educator will be taking English uh, on Saturdays and Sundays. Now, uh, let me tell you that if you are not a Plus subscriber, you can go ahead and join Plus. Uh, there are enormous features. Also, let me tell you one thing really quickly. Uh, on 1st, or uh, 1st and 2nd November, we have the championship test going on on an academy and you can win scholarships up to 5 lakh so if you are interested go and check the uh, check out the description box below and you'll get all the links and you can go ahead and um, you know enroll yourself for it so you can win scholarships up to 5 lakh guys that's huge so that's there we have iconic subscriptions going on and a lot of a lot of batches that we have here इफ़ यू वांट यू कैन ऑलवेज यूज़ माई कोर एस डी सी लाइव टू गेट द टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन योर प्लस और आई कॉनिक वैल्यू ना एस डी सी लाइव विल गिव यू टेन परसेंट ऑफ वट प्लस एंड आई कॉनिक विल गिव यू मच मोर सो यू कैन ऑलवेज जॉइन आईकॉनिक और प्लस ना वी डिस्कस्ड अबाउट ऑथर इन दिस जैसे कि हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी बेटा सैम्पल पेपर्स में सैम्पल पेपर्स में ऑथर्स के ऊपर क्वेश्चन आए हैं तो so, क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चन आए हैं ये मेरा इनिशिएटिव रहेगा थ्रू आउट कि मैं ऑथर्स के बारे में भी आपको हर एक चैप्टर में बताती चलूं ताकि से आप ऑथर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर पाएं नाउ अगेन लेट मी जस्ट रिपीट आई एम नॉट गोइंग टू वॉच कमेंट्स राइट नाउ बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू फर्स्ट दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट एंड आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक द फ्लो ऑफ द नेरेटिव सो वी स्टडी द फर्स्ट पार्ट विच वॉज़ अबाउट साहिब साहिब वाला पार्ट हमने देख लिया था जिसके अंदर साहिब एक रैक पिकर था और किस तरीके से वो स्कूल नहीं जाता था किस तरह तरीके से वो रैक पिकिंग करता था और वो इंजॉय करता था रैक पिकिंग को एंड लेटर ऑन हमें पता चला कि वो एक टी स्टॉल में काम करने लगा है जहाँ पर अब उसे उतना मज़ा नहीं आता जितना शायद उसे रैक पिकिंग में आता था सो आज हम लोग जो दूसरा इसका पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार सो प्लीज़ प्लीज़ अप्रिशिएट द कार दैट इज़ हियर सो आई एम नॉट द इंजीनियर बट या यू कैन अप्रिशिएट द कार इफ़ यू वॉन्ट सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लाइक वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट वन लिटिल किडो नेम नेम मुकेश उनका नाम मुकेश है और ऑथर उनसे मिलती हैं यू नो ऑथर उनसे मिलती हैं उनसे भी वो डिस्कशंस करती हैं तो देखते हैं कि ऑथर के और उनके डिस्कशंस कैसे रहते हैं ना मुकेश इंसिस्ट ऑन बींग हिज ओन मास्टर आई विल बी अ मोटर मकैनिक ही अनाउंसेज द राइटर मेट अ बॉय नेम्ड मुकेश हु एस्पायर टू बिकम अ मोटर मकैनिक जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू Uh, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे जो ब्लैक में लिखा हुआ है ये लाइंस हैं आपके एन की और जो रेड में लिखा हुआ है ये एक्सप्लेनेशन है सो so आप uh, अगर चाहें तो आप uh, इनके स्क्रीन भी लेते हुए चल सकते हैं सो इवन दैट विल बी पॉसिबल एंड जैसे कि मैंने आपको बताया आई वोट बी एबल टू सी योर कॉमेंट्स सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डोंट डू एनी बिकॉज आई वोंट बी एबल टू सी बट डेफिनेटली आई टेक ऑल योर डाउट्स आई प्रोमिस ऑन मंडे ओके राइट डू यू नो एनी थ तो अनीस किससे मिलती है अनीस मिलती है मुकेश से जो कि एक छोटा सा बच्चा होता है और वो बोलता है कि मैं मोटर मकैनिक बनना चाहता हूँ तो अभी यहाँ पे वो उनसे पूछती है तुम्हें कुछ कार्स के बारे में पता भी है मतलब तुम मोटर मकैनिक बनना चाहते हो तो उसके पीछे कोई बैक स्टोरी तो होगा ना तो तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता है I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. अच्छा एक क्विक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ बहुत सारे चैप्टर्स में ऑथर और नरेटर अलग अलग होते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स में इस चैप्टर में ऑथर और नरेटर एक ही हैं। इसीलिए ये जो यू uh, नो you know, ये पूरा जो पूरा नरेशन कर रहे हैं ये नरेशन अनिश चंग ही कर रही हैं ओके okay. I will drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream lo uh, looms like a mirage amidst the dust of street that fill his uh, town, Firozabad, famous for its bangles.

और बोला मतलब उनकी आंखें इतनी ज़्यादा यू नो उनमें इतनी ज़्यादा एस्पिरेशंस दिख रही थी ऐसा लग रहा था कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेके सो ही वाज लुकिंग स्ट्रेट इनटू ऑथर्स आईज और उनका ड्रीम ऐसा लग रहा था एज वो इसको फुलफिल करके रहेंगे ये ड्रीम थोड़ा सा मिराज जैसा था क्योंकि वो एक ऐसे टाउन में रहते थे जिसका नाम है फिरोजाबाद जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है बैंगल मेकिंग के लिए कोई भी फैमिली आप फिरोजाबाद में देख लोगे तो वो लोग बैंगल्स ही बनाते हैं ये एक्चुअली इंडिया का बहुत ही फेमस सेंटर है और इंडिया की बहुत ही बड़ी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यहाँ पे है सारे फैमिलीज सब लोग बस फर्नेसिस के आगे काम करते रहते हैं वेल्ड करते रहते हैं ग्लास को बैंगल्स बना सकते बनाते रहते हैं सारे औरतों के लिए जो कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं वो डेफिनेटली यहाँ से जाती है सो so, यहाँ की बैंगल्स बहुत ज़्यादा फेमस है और हर एक फैमिली इसी में लगी रहती है तो ऐसे बैकग्राउंड में ऐसे फैमिली बैकग्राउंड में जहाँ पे सब लोग एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये बिलीव करना कि एक पर्सन यू नो एक दूसरा ही ऑप्शन चूज़ करना चाहता है जैसे आपके फैमिलीज़ में होता होगा ना जैसे कोई आपकी फैमिली में हो सकता है सब लोग चार्टेड अकाउंटेंट्स ही हों हो सकता है कि सब लोग डॉक्टर्स हो बट आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो आप लॉ करना चाहते हो आप फैशन uh, डिज़ाइनिंग करना चाहते हो या हो सकता है आप फोटोग्राफी करना चाहते हो या फिर आप फुटबॉलर बनना चाहते हो सो यू नो इट बिकेम्स व वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव अ बैकग्राउंड योर फैमिली हैज़ अ बैकग्राउंड एंड दैट बैकग्राउंड स्पीक्स अ लॉर्ड अबाउट यू एंड योर फैमिली एंड वैन यू थिंक अबाउट डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट पीपल एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि आप क्या करना चाहते हैं एंड वॉट्स द मेजर थिंग यू नो सो so, uh, यहाँ पे एग्जैक्टली exactly इसके साथ भी यही हुआ था इन ये सारे पूरा पूरा फैमिली इनका बैंगल मेकिंग में था एंड ऑल ऑफ अ सडन ही कम्स एंड ही सेस दैट आई एम गोइंग टू मेक आई एम गोइंग टू ड्राइव अ कार एंड आई एम गोइंग टू बिकम अ मोटर मकैनिक Mukesh's family is among them. None of them know it, uh, that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those uh, 20,000 children out of the hot furnaces where they slug their daylight hours after losing the brightness of their eyes. ना मुकेश उन्हीं बच्चों में से हैं जो बच्चे वहां बैठ के बैंगल्स बनाते हैं उनमें से किसी को नहीं पता है कि बच्चों को काम कराना ग्लास के सामने काम कराना इलीगल है उनमें से किसी को नहीं पता है कि इस तरीके की हाई टेम्परेचर में इस तरीके की यू नो घुटन वाले सेल्स में इस तरीके की लाइट में यूनो you know, उनको काम कराना इलीगल है और अगर लॉ यहाँ पे इन्फोर्स किया गया तो मुकेश और मुकेश के साथ बीस बच्चे बीस हजार बच्चे वहां से निकलेंगे वो हॉट फर्नेसिस से निकल पाएंगे वो उन उन आवर्स में जहां पे वो इतनी मेहनत करते हैं इस तरीके से अपनी आंखों अपनी आंखों को खो देते हैं वहां पे क्योंकि डेफिनेटली अगर आप इसी कंडीशन में काम करते रहते हो तो वहां पे एक चीज नोटिस की हुई है कि बहुत सारे लोग अपनी आईसाइट बहुत जल, जल्दी खो देते हैं तो ये ना इट्स नॉट मेड फॉर केज इट्स नॉट मेड फॉर केज एंड जिस तरीके से इनसे काम कराया जाता है लॉ तो डेफिनेटली ये चीज बिल्कुल मानता ही नहीं है कि बच्चों को

and they are working towards it they're losing their eyesight every day every day they're going closer to blindness and that's really miserable mukesh's eye, uh, mukesh's eye beam as he volunteers to take me home which he proudly says is being rebuilt मुकेश की आइज इतनी ज्यादा चमक रही है ना जब वो उसको घर पे लेके जा रहा है जब वो ऑथर को नरेटर को घर पे लेके जा रहे हैं और पता है बड़ा ही खुशी से और बड़ा ही प्राउडली वो बोल रहा है कि मेरा घर वापस बनाया जा रहा है आपको पता है ही वॉक डाउन स्टिंगकिंग गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विथ क्रम्पलिंग वॉल्स वूबली डोर्स are no windows crowded with families of humans and animals coexisting in the primeval state he stops at the door of one of such houses bangs the wobbly iron door with his foot and pushes it open ना मुकेश इतना ज्यादा खुश है अपने घर ले जाने के लिए क्योंकि उसका घर अभी नया बनना चालू होगा और वो जब लेके जाता है उनको तो जब वो जा रहे होते हैं तो इतनी पतली पतली गलियाँ उन पतली पतली गलियों में से मतलब वो इतनी ज्यादा स्टिंकिंग थी क्योंकि वहां पे ना तो प्रॉपर सीवेज सिस्टम था ना कुछ वहाँ पे सारा कचरा सब कुछ बाहर था इट वॉज ऑल आउटसाइड एंड इट वॉज वेरी स्टिकिंग और वहाँ पे मतलब वो जो घर थे वो घर नहीं थे देवो हॉवल्स सी एम हाई लाइटिंग लिटरली ऐसे घर जो कि अभी आप ऐसे मतलब एक एक आप उसको मारोगे तो वो पूरे घर गिर जाएंगे इतने ज्यादा कमजोर वो घर थे एकदम हट हटमेंट जैसे वो घर थे उनके वॉल्स इतने ज्यादा कमजोर थे डोर्स एकदम वुबली डोर्स थे मतलब ऐसे डोर्स होते हैं ना जिनमें आवाज आती है इसे हम किसी हॉन्टेड हाउस में जाते हैं और खोलते हैं तो आवाज आती है मतलब ऐसा लगता है कि ये डोर अभी गिरेगा ऐसा बिल्कुल उसमें विंडोज नहीं है और एक छोटी से घर में पूरी फैमिली रह रही है उनमें एनिमल्स भी रह रहे हैं फैमिली रह रही है एनिमल्स रह, रह रहे हैं सब लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं और ये चीज ऑथर देखती है एंड ऑथर फील्स कि यार मैं ये कहाँ पे आ गई हूँ ये कैसा जगह है एंड देन जब जाके मुकेश एक घर के आगे रुकता है और अपने पाओ से उसके गेट को मारता है और एकदम से डोर खुल जाता है वी एंटर अ हाफ बिल्ड शैक अभी उन्होंने बोला पोयट बोलती ऑथर uh, बोलती है कि हम लोग एक ऐसे घर uh, में एंटर हुए जो कि हाफ बिल्ट था हाफ बिल्ट था मतलब एकदम है ना आप उसको देखोगे तो यू फील कि यार यहाँ पे छत नहीं है मतलब एक एकदम uh, एक एक चीज के ऊपर एक बेडरूम होगा और उसपे छत है एंड देन आगे जाओगे हॉल में छत नहीं है पानी आ रहा है यू नो थिंग लाइक दैट वन पार्ट इन वन पार्ट ऑफ इट Touched with dead grass is the firewood stove over which sits a large लार्ज of sizzling spinach leaves. लीव so, अभी यहाँ पे आप उस पूरे कमरे में अगर एक एक तरीके एक जगह पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो घास है जो सूखी घास है जो कुछ लकड़ियाँ हैं, उनको यूज करके स्टोव बनाया गया है चूल्हा बनाया गया है और उसके ऊपर एक बड़ा सा वेसल रखा हुआ है जिसके अंदर पालक जो है पालक उबल रहा है अन द्राउंड इन लार्ज अलमोनियम प्लेटर्स मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स और बोला नीचे जमीन पे अलमोनियम के प्लेटर्स पड़े हुए हैं अलमोनियम की प्लेट्स पड़ी हुई है और उन प्लेट्स में और ज्यादा चॉप्ड वेजिटेबल्स पड़ी हुई है अफ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली एक वुमन जो है वो आराम से यू रखे और पूरी फैमिली के लिए खाना बना रही है थ्रू आइज फील्ड विथ स्मोक्स शी स्माइल्स अब जब वो चूल्हा जला रही है तो ऑब्वियसली वो पूरे आग और वो पूरी चीज़ों से उसकी आँखों में पानी आ गया है और एकदम आँखें उसकी अजीब सी हो रही है तो इस पूरे ऐसी आँखों के साथ में वो स्माइल करती है ठीक है यू नो स्माइल करती है एंड शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश इज़ एल्डर ब्रदर और जो पर्सन वहाँ पर स्माइल कर रही है वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है Not much older in years. इतनी बड़ी नहीं है वो शी हेज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू वो बहुत छोटी है एज में बट उनको सब लोग अब बहू बुलाने लगे हैं और मतलब वो डॉटर इन लॉ है पूरे घर के और उनके सर पे तीन आदमियों का चार्ज है सो शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर हजबेंड शी इज टेकिंग केयर ऑफ मुकेश एंड देयर फादर because she she's bahu of family because she is daughter-in-law of family she has to take care of everybody in the family and she's taking care of three uh, men there uh, her husband mukesh and their father so she's cooking for them and her eyes are all filled with smoke and she couldn't even open them and they're filled with water so that's the condition they are living in वन दी ओल्डर मैन एंटर्स शी जेंटली विद्रॉज बिहाइंड ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस जैसे ही वो एक बूढ़ा आदमी अंदर आता है तो वो फटाफट से एक दीवार के पीछे जा कर छुप जाती है और अपने आप को घूंघट से और कवर कर लेती है As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. क्योंकि वहाँ पे custom है कि male elders के सामने जो daughter-in-laws होंगे, उनको अपना face cover करना होगा. Veil का मतलब होता है घूंघट. इन द इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इन इम्पॉर्वेस्ड बैंगल मेकर और बोला यहाँ पे हम जिस एल्डर की बात कर रहे हैं वो एक बैंगल बैंगल मेकर है एक ऐसा बैंगल मेकर जो कि बहुत ज़्यादा जिसने पावर्टी देखी है और अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा उसने अजीब तरीके से पाला है इतनी पावर्टी में Despite long years of hard labor, first as a a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house. बोला इतने सालों तक उसने इतने सालों तक इतना हार्डवर्क उसने किया है पहले तो वो एक टेलर की जैसे काम करते थे फिर वो बैंगल मेकर की जैसे काम करते थे बट फिर भी उनके पास इतना पैसा नहीं आ पाया कि वो अपने घर को रेनोवेट करवा सके वो अपने दोनों बच्चों को यूनो स्कूल you know, भेज सके All he has managed to do is teach them what he knows, the art of bangle making. और अगर वो कुछ कर पाए हैं तो वो ये कर पाए हैं कि वो actually अपने बच्चों को जो वो चीज़ जानते हैं bangle making की art वो जो जानते हैं बस उसे वो pass on कर पाए हैं See, I have enclosed a picture here. If you can see, ये यहाँ पे uh, the picture is quite blur. Uh, ये यहाँ पे ये जो पूरा ये सब कुछ है ना ये bangles बना हुआ है ये सारे bangles हैं तो so, इस तरीके से ये लोग बैंगल्स बनाते हैं बैंगल्स को पैक करके रखते हैं तो ये सारी चीज़ें इनका काम होता है एंड देन उसे बेचते हैं देखो अगर अपन यहाँ पे देखें तो बैंगल बैंगल मेकिंग जो है बैंगल मेकिंग जो है वो यहाँ पे इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं है इंस्पाइड ऑफ बींग पॉपुलर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ की बैंगल्स और अगर आप आप खरीदने जाओगे इनकी बैंगल्स तो आपको सस्ते में नहीं मिलेगी आपको फिरोजाबाद की बैंगल्स महंगे में ही मिलेगी बट वो इनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है इसके पीछे रीजन ये है लेटर इन चैप्टर हमें पता चलेगा कि किस तरीके से इनकी जो बैंगल्स हैं इनकी जो बैंगल्स हैं उनको मिडिल मैन खरीद लेते हैं और मिडिल मैन उन बैंगल्स को खरीद के और ज्यादा पैसों में आगे बेच देते हैं तो वो तो इनसे कम पैसों में खरीदते हैं तो इन बेचारों को तो बहुत थोड़े से पैसे मिलते हैं और आगे जब वो बेचते हैं तो बहुत महंगे में बेचते हैं तो इस तरीके से इनके लिए चाहे ये कितने भी साल यहाँ पे काम कर ले इनके लिए ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है अब क्योंकि इनके लिए ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तो इसीलिए अपने बच्चों को ना तो ये पढ़ा पाए हैं और ना ही अपना घर रेनोवेट करवा पाए हैं जो ये करवा पाए हैं वो ये है कि ये आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग उन्हें समझा पाए हैं और उसके थ्रू वो बैंगल मेकिंग करते हैं इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश इज ग्रैंड मदर मुकेश की ग्रैंड मदर बोलती है कि ये इनके कर्म है ये इनकी डेस्टिनी है who has washed her own husband go blind with dust from polishing the glass of bangles can a god given lineage ever be broken she implies तो उन्होंने बोला कि ये कर्म है ये इसकी डेस्टिनी है वो एक ऐसी लेडी है जब आप ये बात सुनते हो तो आप एक ऐसी लेडी के मुंह से ये बात सुन रहे हो जिसने अपने खुद के हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा है अपने

एवो बी ब्रोकन बोला ये तो हमारे ऊपर गॉड गिफ्ट है ये तो हम लोगों को भगवान ने यू uh, नो you know, एक यू नो आर्ट दिया है एक गॉड गिफ्ट दिया है कि हम इतनी सुंदर बैंगल्स बनाने आते हैं तो क्या हम इस आर्ट को क्या इस गॉड गिफ्ट को कभी रिटर्न कर सकते हैं ये तो हमारी लीनेज है ये तो हमारा हेरिडिटी है हमारे जितने भी पूर्वज थे वो भी यही करते हुए आ रहे थे तो हम लोगों को भी यही करना है मतलब लॉजिक

बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स बोला हमारी कास्ट जो है वो बैंगल मेकिंग की है और हमने कभी भी बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ देखा नहीं है इन दी हाउस इन द्ड इन एवरी अदर हाउस एवरी अदर यार्ड एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद बोला हमारे घर में हमारे यार्ड में किसी भी हाउस में किसी भी यार्ड में किसी भी स्ट्रीट में फिरोजाबाद के आपको बैंगल्स ही देखने को मिलेगी स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स सनी गोल्ड पैडी ग्रीन रॉयल ब्लू पिंक पर्पल एवरी कलर बॉन आउट ऑफ सेवन कलर्स ऑफ रेनबो लाई इन माउंट अनकैम्प्टार्ड आर पाइल्ड ऑफ फोर व्हील्ड हैंड घर में हमारे यार्ड में आपको हर जगह बैंगल्स देखने को मिलेंगी बैंगल्स जो अलग अलग कलर की हो सनी गोल्ड uh, सनी गोल्ड ग्रीन रॉयल ब्लू पिंक पर्पल हर एक कलर जो रेनबो के कलर से यू नो वो लोग लेके आ सकते हैं हर कलर की बैंगल्स आपको देखने को मिलेंगी और वो उन बैंगल्स को इतना अच्छे से उन्होंने रख नहीं रखा है आराम से वो यार्ड में पड़ी हैं और कुछ लोग मिलके उन्हें हैंड काट के ऊपर ऐसा ठेला जो होता है उसके ऊपर रख देते हैं और जो यंग मैन है वो उसको खेच के चले जाते हैं पूरे टाउन्स में बेचने के लिए या फिर अपने जो भी मिडिल मैन हैं उन तक पहुँचाने के लिए In and in dark hutments, next to lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to light outside. Now, this has a deeper meaning.

कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उससे बैगल्स बना सके उनकी डार्क के लिए मतलब मतलब उम्मीद नहीं है कि उनकी में कभी, आएगी, वो कभी आगे बढ़ पाएंगे वो कुछ और कर पाएंगे और मिजरेबल विशियस साइकिल जो है पावर्टी की उसमें से कभी निकल पाएंगे और इसीलिए क्योंकि वो इतने डार्क जगह पे रहते हैं और फॉर्निस के सामने काम करते हैं वो अपनी आई साइट बहुत ही जल्दी खो देते हैं सविता अ यंग गर्ल इन ड्रेस अलॉन्ग साइड एंड एल्डरली वुमन सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास एज हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक मशीन। आई इफ़ शी नोज सेंसिटी ऑफ बैंगल शी हेल्प मेक it symbolizes the indian woman suhag auspiciousness in marriage सविता जो कि एक यंग गर्ल है पिंक ड्रेस में बैठी है अपनी ममा के साथ में और वो क्या कर रही है वो पीसेज ऑफ ग्लासेस को देख रही है उनसे बनाएगी बैंगल्स बनाएगी उनके हाथ इस तरीके से मूव कर रहे हैं जैसे कि एक मशीन के टोंग्स मूव करते हैं उन्हें नहीं पता है इस बैंगल्स और क्यों जो कि वो बनाने की सोच रही है उनके पीछे एक्चुअल मीनिंग क्या है ये बैंगल्स इतनी जरूरी हैं क्यों क्योंकि इंडिया में ये बैंगल्स जो है वो इंडियन वुमन के सुहाग को इंडियन के सुहाग को रिप्रेजेंट करती है सिंबलाइज करती है ये ausp जो है मैरिज की वो बताती है दैट इफ यू आर अ मैरिड वुमन यू हैव टू वेयर बैंगल्स योर मैरिज हेल्दी सो सम काइंड ऑफ सुपरस्टिशन गोल्स हियर सो अभी यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई अभी ये सारी uh, बातें हम लोगों को पता चल गई ना लेट सी के वेयर डज दिस चैप्टर गो इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे वेन हर हेड इज ड्रेड विद रेड वे हर हैंड्स डाइड इन रेड हीना रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रेस्ट शी विल देन बिकम अ ब्राइट बोला एक दिन उसे पता चलेगा इन बैंगल्स का इम्पॉर्टेंस जब एक दिन उसके सर पे रेड चुननी होगी एंड शी विल बी वेरिंग रेड हीना एंड रेड बैंगल्स अपनी रिस्ट पे और तब वो ब्राइट बन जाएगी लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड ह हु बिकेम वन मैनीयर्स अगो एकदम उसी ओल्ड वुमेन की जैसे जो कि उसके पास में बैठी है जो सालों पहले ऐसे ब्राइट बनी थी शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रेस बट नो लाइट इन हर आईज ये बहुत ही बुरी आयरनी है जिन बैंगल्स को बनाते बनाते आपको सालों गुजर गए वो बैंगल्स डेफिनेटली अभी भी उन ओल्ड लेडी के अम्म uh, नो you know, हाथ पे देखने को मिलेगी बट उनकी आंखों में रोशनी नहीं है मतलब शी शी हैज बैंगल्स दैट मीन्स शी हैज हर हजब अलाइव शी इज ऑल्सो अलाइव बट हर आई साइड इज गॉन एंड दैट्स वाई शी कैन नॉट इंजॉय हर लाइफ एनी मोर सो दैट्स वॉट द बैंगल्स टू हर मीन लाइक जो बैंगल्स उस लेडी के लिए है वो उनका ये मतलब है एक व, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया शी सेज इन अ वॉइस वहाँ पहुँचती हैं तब वो आ, वो बड़ी ही यू नो उनकी आंखें इतनी ज्यादा टिमेट इतनी ज्यादा लाइक शी इज लाइक शी लुक्स एट हर एंड शी इज लाइक शी इज लाइक आई हैव नॉट इवन meal a डे मैंने एक मील भी नहीं खाई है पूरे दिन की So Matlab, you know, they are working, they are losing their eyesight, and they cannot even eat. So that gives goosebumps to that should give goosebumps to every person. We should actually help them one way or other. And the author is trying to help them. She's trying to figure out what's the main cause of it. She has not enjoyed even a one full meal in her entire lifetime. कभी पूरी लाइफ टाइम में उसने एक मील पूरी पेट भर के नहीं खाई है and that's what she has reaped. बोला ये उसको मिला बैंगल मेकिंग से ये मिला है उसको बैंगल मेकिंग से कि उसने एक वक्त का खाना भी नहीं खाया है Her husband, an old man with flowing beard, says, "I know nothing except bangles. All I have done is make a house for family to live in." अभी यहाँ पे जो ओल्ड मैन है वो अपने दाढ़ी को ऐसे करके बोलता है कि मेरे को कुछ नहीं आता मुझे सिर्फ बैंगल मेकिंग आता है और मैंने अपनी लाइफ में बस ये कमाया है कि मैंने सब लोगों के लिए रहने के लिए घर बना दिया ताकि से सब लोगों के सर के ऊपर एक छत हो Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग इस चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा वंडर करेंगे कि शायद इसने तो वो अचीव कर लिया जो बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में अचीव नहीं किया उसके सर पे छत है द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनी थिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगर्स नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम द यंग मैन एको द लैमनेट ऑफ दियर एल्डर्स लिटिल हैज मूव विद टाइम इट सीन्स इन फिरोजाबाद यर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैिटी टू टू ड्रीम सो अभी यहाँ पर बोला कि क्राई जो है कि यू नो उनको पैसा नहीं मिलेगा डेफिनेटली uh, उनको ये चीज देखने को मिल रही है कि उन्हें पैसा तो नहीं मिलेगा उनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता यंग मैन जो है वो सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं जो उनके एल्डर्स ने किया जो उनके एल्डर्स करते हैं जिन्होंने इतने टाइम तक बस अब बैंगल मेकिंग किया वो भी वही कर रहे हैं वो भी बैंगल मेकिंग कर रहे हैं बहुत कम चेंजेस आए हैं फिरोजाबाद में बहुत कम चेंजेस आए हैं इतने सालों में यर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल माइंड नंबिंग टॉयल माइंड नंबिंग का मतलब होता है बोरिंग टॉयल का मतलब होता है हार्डवर्क सेम हार्डवर्क मोनोटोनस हार्डवर्क करते, 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 करते उनकी अंदर सारी सारी चीज की है और इतने साल उन्होंने उसी लाइफ को देखा है कि उनकी ड्रीमिंग एबिलिटी जो है कि मैं कुछ ड्रीम करूं ये एबिलिटी ही मर गई है वो कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेना चाहते उनकी जीने की इच्छा खत्म हो गई Why not organize yourself into a cooperative? और यहाँ पे ऑथर उन्हें एक सजेशन uh, देती है बोलती है क्यों नहीं आप लोग अपने आप को एक कोऑपरेटिव बना लेते I ask a group of young men who have fallen into the vicious cycle of middlemen who ट्रैप their fathers and forefathers. बोला कि आप इन मिडिल मैन के चक्कर में पड़े हुए हैं और आपको एक पैसा नहीं मिलता है आप क्यों ना एक कोऑपरेटिव बना लेते

अंदर इंक्लूडेड हैं एंड दैट इज वाई ये लोग अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पा रहे हैं ये लोग अपनी लाइफ में कोऑपरेटिव में अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं इनकी अंदर कोई लीडरशिप नहीं है कोई एक लीडर नहीं है जो कि इन्हें बताए कि नहीं ऐसा हो सकता है वो लोग अपने पापा ने जो किया उनके फो फादर्स ने जो किया वही करते जा रहे हैं They talk endlessly uh, in a spiral that moves poverty to apathy to greed to injustice. वो बस इसी चीज के बारे में बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। Listening to them, I see two distinct worlds. जब मैंने उनके बारे, उनको सुना, तो अथर uh, बताती है, मैंने दो वर्ल्ड्स देखे। One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. बोला एक तो मैंने देखा उस फैमिली को जो कि पावर्टी के जाल में फंसी हुई है जिनके ऊपर कास्ट का बर्डन है और दूसरी जो विशेष साइकिल ऑफ साहूकार्स साहूकार मैन एंड पुलिस मैन और कीपर्स ऑफ लॉ एंड ब्यूरोक्रेट्स एंड का है बोला दो वर्ल्ड मुझे दिख रहे हैं एक तो वर्ल्ड जो इनके गरीबों के हैं और एक वर्ल्ड जो साहूकार पोलिटिशियंस uh, इनके हैं जो कि इन लोगों को पावर्टी से निकलने नहीं दे रहे हैं टूगेदर दे हैव द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही के नॉट पुट डाउन बोला इन सारे लोगों ने मिलकर एक साथ इन बच्चों पे वो बैग बैगेज डाल दिया है कि अब इन इस बैगेज को वो उतार भी नहीं सकते अपने कंधों से बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इज एज अ नेचुरली एज हिज फादर बोला कि वो जब तक बड़ा होता है एक छोटा बच्चा जब तक बड़ा होता है जब तक वो समझता है कि उसके साथ क्या हो रहा है वो, वो सारी चीजों को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया होता है और अब वो कुछ और चेंज नहीं कर सकता उसमें एंड डेरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग आप और जिस तरीके से उन्हें बड़ा किया जाता है उनको डेर करना नहीं आता उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यू uh, नो you know, हिम्मत दिखाए और इस पूरी चीज़ के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाए वेन आई सेंस ऑफ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम च्य बोला जब मैंने इस डेयर को कि वो कुछ और करेगा वो मोटर मकैनिक बनेगा ये चीज़ मैंने मुकेश में देखी तो मुझे बहुत खुशी हुई ऐसा ऑथर बोलती है आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मकैनिक ही रिपीट वो वापस रिपीट करते हैं कि मैं एक मोटर मकैनिक बनना चाहता हूँ ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न बोला मैं गैरेज यू नो बे जाऊंगा और मैं लर्न करूंगा बट द गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम आई विल वॉक ही इंसिस्ट बोला गैरेज तो बहुत दूर है कैसे जाओगे बोला मैं पैदल जाऊंगा डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन बोला क्या तुम तो एक प्लेन भी फ्लाई करना चाहते हो चुप हो जाते हैं नो ही ग्राउंड बोला नहीं मैं प्लेन नहीं उड़ाना चाहता हूँ वो जमीन को देख के बोलते हैं इन हिट स्मॉल ममर देअर इज एन एम्बेसमेंट दैट है इज कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कास्ट दैट ही सीज हलिंग डाउन दीट्स ऑफ इज टाउन फ्यू एन फ्लाई ओवर फिरोजाबाद

the mind-numbing toil that everybody in Ferozabad has, uh, has been doing since so long so abhi ye jo story here it is actually uh, uh, you know it, it has uh, awakened us and it has it might have awakened the author ki kis se log apni life ko pe. now uh, let me tell you guys i have summary also right here now i will like wait for 10 seconds so that you can uh, you can always um, you can always टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस इफ यू वांट एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन ऑलवेज गो थ्रू द समरी आई हैव एक्सप्लेन यू एवरी थिंग इन डिटेल आई डोंट थिंक दैट वी नीड टू डिस्कस एनीथिंग इन समरी ऑल्सो सो दिस इज द समरी एंड एम लाइक आई विल वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट टेन सेकेंड्स ईच प्लीज टेक अ स्क्रीन शॉट वेरी फास्ट सो दैट यू कैन ऑलवेज यू नो सी दिसटर अगर आपको रिवाइज करना हो मेरे बिना भी आप अच्छे से रिवाइज कर पाए सो दैट्स देयर and uh, as i told you i will be answering all your comments i will be answering all your uh, questions on uh, monday in our special class every monday we will have a doubt lecture every saturday and sunday we are going to have uh, we are going to have uh, uh, you know this session revision session and every um, this thing every monday we are going to have one doubt session so that every doubt that you might have you can make uh, you know i can make sure that we are solving all of them सो so, ये हो गया अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रेडी करके लाई हूं ताकि से आप लोग जो भी आपने पढ़ा है उसको आज ही आज एकदम रैप अप कर पाओ क्योंकि यही हमारा एम है जब तक क्लासेस चलेंगी जब तक आप अपना इंग्लिश साइड बाय साइड मेरे साथ कंप्लीट कर सको ये अपना एम है कि आप मुझे एक घंटा जो हमारे सैटरडे संडे का होता है सिर्फ एक घंटा आप यहाँ पे पढ़िए और पूरे वीक में कुछ आधा एक घंटा अगर आप होमवर्क जो मैं आपको देती हूँ आप वो भी कर लेंगे तो आपका इंग्लिश एकदम सॉर्टेड हो जाएगा

सो so, uh, ये देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं मैं सारे क्वेश्चंस आपको समझाती चलती हूँ बच्चों ताकि आप खुद से इनका आंसर लिख सके ये आपका होमवर्क है ओके सो मेक श्योर आप इस होमवर्क को करें और अगर कोई डाउट आता है तो मंडे को मेरे से डाउट क्लास पे पूछेंगे मंडे को पाँच बजे हमारी डाउट क्लास होने वाली है पाँच बजे डाउट क्लास होगी स्पेशल पे मुझे अन uh, अकेडमी पे फॉलो कर लेना आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे आपके डाउट्स भी मैं ले लूँगी और अगर आपको कोई भी फर्दर uh, डाउट्स भी है तो वो भी हम लोग देख लेंगे ठीक है सो दैट्स गोइंग टू बी देर

चल रहा है एक कैनिस्टर लेके चल रहा है तब उन्हें पता चला कि अब तो साहिब अपने अपना खुद का बॉस नहीं रहा है और वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी भी था तो आपको ये पॉइंट्स इसमें मैंशन करने हैं ज इट पॉसिबल फॉर मुकेश टू रियलाइज हिज ड्रीम जस्टिफाई क्या मुकेश के लिए पॉसिबल है कि वो अपने आप अपने, मतलब अपने रियोलाइज कर, uh, कर सकता है मतलब जो उसने ड्रीम्स देखे हैं कि वो मोटर मकैनिक बनेगा मतलब ऐसे टाइम पे जब फिरोजाबाद में सब लोग बैंगल मेकिंग करते हैं और किसी ने इस चीज को नहीं तोड़ा है क्या मुकेश इस पूरी लीनेज को तोड़ के और मोटर मकैनिक बन सकता है ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों तो इसमें आपको अपनी देनी होती है। डू यू थिंक साहिब was हैप्पी टू वर्क एट द टी स्टॉल क्या आपको लगता है कि साहिब खुश था टी स्टॉल पे काम करके आपको रीजंस देने पड़ेंगे कि खुश था कि नहीं था

बिकॉज नाव ये बच्चों के पास में वो वो हंसी मजाक वो खेल कूद नहीं है जो एक नॉर्मल इंसान के पास में होता है ये बच्चे तो बेचारे अपना चाइल्डहुड खो चुके हैं बर्डन ऑफ पावर्टी या लाइबिलिटी के नीचे Why does the वाई डज दैट द बैंगल मेकर्स आर कॉट इन अ विशियस web? ऑथर ये क्यों बोलती है कि ये जो हैं ये एक ऐसी साइकिल में फंस गए हैं जिसका कोई एंड नहीं है ऑथर ऐसा क्यों मानती है

ऑल राइट ऑल राइट सो द क्वेश्चन नंबर सिक्स है बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद ऑर्गेनाइज सेल्फ इन टू कोऑपरेटिव उन्होंने अपने आप कोऑपरेटिव में कन्वर्ट क्यों नहीं किया हाउ इज़ मुकेश इज एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इज फैमिली मुकेश का एटीट्यूड लाइफ से डिफरेंट क्यों है लाइक like, मुकेश uh, का एटीट्यूड लाइफ के लिए डिफरेंट क्यों है उसकी फैमिली के कंपेरिजन में क्योंकि उसकी फैमिली तो इसको गॉड गिव इन लीनियज मान चुकी है तो मुकेश ऐसा क्यों नहीं मानता वॉट इज़ मुकेश हज़ ड्रीम डू यू थिंक ही विल एबल टू फुलफिल हिज ड्रीम अच्छा बच्चों ये ना बोर्ड में बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है कि मुकेश का ड्रीम क्या था और क्या आपको लगता है कि मुकेश अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर पाएगा अगर हाँ तो क्यों नहीं तो क्यों नहीं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी बच्चों मैंने डाल दिए हैं जो प्रीवियस वाले क्वेश्चंस थे वो सारे अपन ने तीन से चार मार्क्स में आते हैं ये वाले क्वेश्चन पांच से छह नंबर में आएंगे तो जो लास्ट वाला सेक्शन है हमारा पार्ट बी उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं तो इनको आपको आंसर भी उस अकॉर्डिंग करना है कीप दैट इन माइंड ये आपका होमवर्क है ओके यू कंप्लीट दिस होमवर्क और जैसे ये होमवर्क हो जाता है अगर कोई भी डाउट आता है तो यू ज्वाइन मी ऑन मंडे लाइक ऑन स्पेशल क्लास एट फाइव एंड आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स ओके ऑल राइट So the bangle makers of Firozabad make beautiful bangles and make everyone happy, but they live and die in squalor elaborate. बोलते हैं बैंगल मेकर्स बहुत अच्छी बैंगल्स बनाते हैं और सब लोगों को हैप्पी फील कराते हैं बहुत सारी सुहागन्स जो है, उनकी पहनती बट वो खुद सुहागन स्क्वालर का मतलब क्या होता है आ, ये कचरा बस्ती तो वो बेचारे उसमें मर जाते हैं सबको हैप्पीनेस देते हैं बट उनकी लाइफ में नहीं है इसको आपको इलेबोरेट करना है वाई डिट साहिब बिकम अट डिड ही जे इन बिटवीन वी लुक फॉर इन दी गार्बेज बोला कि ये साहिब जो है ये रैकपीकर क्यों बन गया और वो गार्बेज में क्या ढूंढता रहता था तो बेटा ये क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसके अंदर ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करना पड़ेगा और थोड़ा समरी आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा चैप्टर का समरी मैंने आपको दे दिया आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा आई होप सो दैट से गार्बेज इज टू देम गार्बेज टू देम इज गोल्ड हाउ डू रैक पिकस ऑफ सीमापुरी सर्वाइव बोला गार्बेज उनके लिए गोल्ड है तो ये सीमापुरी के जो रैक पिकर्स हैं ये सर्वाइव कैसे करते हैं बेटा आप इसमें एकदम स्टार्टिंग से आंसर लिख सकते हो कि सीमापुरी में वो रैक पिकर्स आए कहाँ से ऑन द फर्स्ट प्लेस और वो सर्वाइव कैसे करते हैं तो पूरा बताओगे बांग्लादेश वाला जो वॉर था नाइनटीन से वो वहां से आए थे इंडिया में एज रेफ्यूजीज और फिर उन्होंने कैसे वो सेटल डाउन हुए कहाँ पे वो सेटल डाउन हुए डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशन प्रिवेलिंग इन फिरोजाबाद मैंशन वाई द बैंगल मेकिंग बिजनेस डज नॉट गिव बैंगल मेकर्स अ कंफर्टेबल लाइफ यहाँ पर आपको लिविंग कंडीशन बतानी है फिरोजाबाद में आपको बताना है वो स्टिंकिंग लेंडस के बारे में एनिमल्स और सब लोग एक साथ रहते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है साथ ही साथ आपको ये बताना है कि बैंगल मेकिंग बिजनेस जो है वो कम्फर्टेबल लाइफ इनको क्यों नहीं दे पाता वट काइंड लाइफ डेट से साहिब लीड एट सीमापुरी सीमापुरी में साहिब की लाइफ कैसी थी क्या वो अच्छा था वो खुश था वो कैसे जीता था वो सर्वाइव कैसे करता था यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन हाउ इज़ मुकेश इज एटीट टूवर्ड्स एज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साहिब वाई अच्छा इन दो चैप्टर्स के बीच में चाइल्डहुड वाला लिंक है दोनों चैप्टर के बीच में चाइल्डहुड वाला लिंक है तो आपको ये बताना है कि मुकेश का एटीट्यूड सिचुएशन को लेकर डिफरेंट है साहिब से कैसे कैसे दोनों का जो नजरिया है लाइफ को लेके डिफरेंट है और क्यों है डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसिस विच कीप द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री इन पावर्टी बोला ऐसे सर्कमस्टांसिस बताइए जिसकी वजह से जो वर्कर्स है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में वो पावर्टी में जीते हैं

1971 में बांग्लादेशी माइग्रेंट्स जो थे वो दिल्ली में आए क्योंकि वो इतनी बड़ी सिटी में गोल्ड ढूंढते थे अभी उनकी लाइफ कैसी है ये आपको बताना है what circumstances forced Mukesh not मुकेश नॉट टू family business बिजनेस bangle मेकिंग instead what ही डिसाइडेड टू डू अभी यहाँ पे ऐसे कौन से सर्कमस्टांसिस थे जो कि उसको लगा कि वो अपने फैमिली बिजनेस में नहीं जाएगा जबकि एक मोटर मकैनिक बनेगा अच्छा लिसन टू मी आज शाम को सवा छः बजे हमारा एक क्लास होने वाला है जिस क्लास के अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं 2020 ट्वेंटी का प्रीवियस ईयर पेपर 2020 जो मार्च 2020 में जो पेपर आया था वो हम सॉल्व करने वाले तो मेक श्योर sure आप क्लास नहीं मिस करें क्योंकि पेपर को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला इंटरेस्टिंग सो मेकोर यू डोट मिस द क्लास explains the grinding poverty and tradition एंड ट्रेडिशन thousands of people to a life of abject poverty. Do you agree? Why? Why not? टाइटल तो बोला लॉस्ट स्प्रिंग जो है, ये करता है आ, ऐसी पावर्टी को ये करता है, इतने सारे लोगों को जो कि पावर्टी के अंदर रहते हैं आप क्या इस बात से अग्री करते हैं For the children it is wrapped in wonder, for elder it is means of survival. What kind of life do the rag pickers of सीमापुरी lead? बच्चों के लिए वो वंडर में रैप था पूरा गार्बेज और एल्डर्स के लिए वो सर्वाइवल था तो क्या कैसी जिंदगी जो थी रैक पिकर्स की थी जो सीमापुरी में रहते थे सो दैट्स दैट्स नाउ एंड ऑफ द दर चैप्टर एंड दिस सेशन गाइज सो लेट्स ट्वेंटी सुशांत 2021 uh, वाले सैंपल पेपर का एनालिसिस हो गया बच्चे दैट इज डन बच्चा मैम ओनली वन योर ओल्ड क्वेश्चन पेपर टू प्रैक्टिस नो 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 वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ देम बट टूडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाला सुशांत ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाला सैम्पल पेपर ऑलरेडी उसका एनालिसिस हो गया तो डोंट वरी येस अल्फा साहेब एंड मुकेश यस यस येस ओके ओके आपकी क्लास की, की टाइमिंग बेटा अपना टाइम रहेगा दस से दस से ग्यारह दस से ग्यारह अपना टाइम रहेगा सैटरडेज एंड संडेज़ को और हमारी जो आ, एंड में लाइक मंडे को पाँच बजे हमारा डाउट सेशन रहेगा तो आपका क्या है मैं यहाँ पे आ, बीच में आ, आपके डाउट्स नहीं ले पाती हूँ ना क्योंकि क्या होता है फ्लो ब्रेक होता है फिर क्या है अगर आप इसको वापस देखोगे ना रिकॉर्डेड सेशन को तो आपको इरिटेशन होगी कि ओहो, बीच में हाई आ रहा है एंड डाउट्स आ रहे हैं तो आपको इरिटेशन ना हो इस वजह से डाउट्स यहाँ पे नहीं लेती हूँ डेफिनेटली हम लोग उस दिन ले लेंगे यस 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 रिकॉर्डेड वीडियो बेटा आपको इसी पे मिल जाएगा आपको यहाँ पे चैनल पे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा आई ट्राई टू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ आई कैन टाइम क्या है क्वेश्चन पेपर डिस्कशन का आज का आज का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन का टाइम है सवा छ बजे सवा छह बजे है, जैसे ही डिसाइड uh, हो जाता है मैं आपको लिंक भेज दूंगी टेलीग्राम पे रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग uh, मिल जाएगी जी बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको और अगर बाई चांस आपको नहीं फिर भी समझ में आता है तो मैं आपके लिए एक बार फिर से एनालिसिस करवा दूंगी कोई टेंशन नहीं है ओके फिजिकल एजुकेशन का रिविजन मैं नहीं करवा सकती है <laughs> आज शाम में यूट्यूब पे क्लास है कि एन अकेडमी पे प्रेम नाथ जी यूट्यूब पे ही क्लास है एक क्लास तो अच्छा आज का स्केड्यूल पूरा ही बता देती हूँ आई एम सॉरी फॉर द कोल्ड आज हमारा एक क्लास तो है यू नो स्पेशल क्लास है और वो स्पेशल क्लास में हम ग्रामर का क्विज करने वाले हैं और वो है पांच बजे से छह बजे तक लाइक सवा पांच से सवा छह के आसपास और यहाँ पे हमारा क्लास होगा साढ़े छह से आई थिंक साढ़े छह सवा छह साढ़े छह बजे सवा छह से आप रेडी रहिएगा साढ़े छह के आसपास आई थिंक हम लोग लाइव आ पाएंगे तो साढ़े छह से हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर का पेपर और ऐसे करते करते मैं लास्ट सारी दस साल के पेपर आपको डिस्कस करवा दूंगी तो आपको दस साल के पेपर्स मेरे साथ सॉल्व करने आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आई विल टेक केयर ऑफ इट ठीक है सो डोंट वरी एव गॉट योर बैक कल कौन सा चैप्टर डिस्कस होगा अर्पित कल हम लोग डिस्कस करेंगे डीप वाटर कल हम डीप वाटर डिस्कस करेंगे जी आपका नाम ऐश्वर्य है ओके 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 जी ठीक है ठीक है ऑल राइट ऑल राइट और कुछ डाउट है बच्चों चलिए 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 आप लोगों को चैप्टर समझ में आया चैप्टर समझ में आ गया चैप्टर क्लियर हो गया हाय सागर हाय बच्चों थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, देखिए होमवर्क करना है और होमवर्क में जो भी डाउट आएगा आप क्या कर सकते हो आप आराम से वो पूछ सकते हो कहाँ पे आ, अपनी स्पेशल क्लास में जो कि कहाँ पे आएगा आ, पांच बजे होगी ओके Okay 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 Disha thank you thank you Sushant thank you Hiral thank you Disha thank you Avil thank you Sushant thank you Disha thank you Steve thank you Renu thank you Prashansa thank you Hiral thank you Aishwarya एक्चुअली थैंक यू अक्षय ये सेशन आप लास्ट में देखोगे ना जब रिकॉर्डिंग में तो आपको ना आपकी जो डाउट्स की वजह से डिस्टर्बेंस होता है ना दूसरे सेशन में वो फील नहीं होगा इस वजह से चैट्स को अवॉइड किया सो है ना डोंट डोंट फील बैड अबाउट इट आई लव टू चैट विथ यू गाइज बट जस्ट टू अवॉइड दैट ओके थैंक यू दिव्यांश थैंक यू थैंक यू अनविल थैंक यू ओके ओके थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच गाइज एंड uh, आप वीकेंड पे इतना जल्दी मेरे लिए उठे थैंक यू सो मच बच्चों और हम लोग अभी कल मिलेंगे और कल एक नया चैप्टर चालू करेंगे इसी तरीके से एकदम पहले चैप्टर डिस्कस कर लेंगे फिर आपसे बात करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड और मंडे को जैसे मैंने आपको बता दिया आपका क्लास uh, होगा डाउट uh, क्लास होगा तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं take care so thank you so much for joining i love you guys please take care of yourself and your family and do your homework and collect your doubts i'll see you guys on monday for the doubt session i'll see you guys today at 6.30 for a paper discussion tomorrow at 10 a.m for deep water okay thank you so much bye take care bye